हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो क्लास 11th कम नीट जेई की क्लासेस चल रही हैं और चैप्टर के फिनिश होने के बाद अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर का फुल रिवीजन अलोंग विद द क्वेश्चंस। सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहां पे अब डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो पहला एक कंसेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन। ओके, बताइए हर्षिका की प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन से आप क्या समझते हैं? सर, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम ये समझते हैं कि जो अगर कोई भी फिजिकल इक्वेशन है, हाँ, तो उसका जो LHS की डायमेंशन होगी और RHS की डायमेंशन होगी सर, वो सेम होगी। हाँ बोलिए सर, आवाज नहीं आ रही क्या? अभी बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, अब बताइए। सर, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम ये समझते हैं कि अगर कोई भी इक्वेशन है तो उसमें जो LHS साइड है और RHS साइड है, उन दोनों की डायमेंशन सर सेम होगी। हाँ बिल्कुल सही। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर कोई आपके पास फिजिकल इक्वेशन है, अगर वो करेक्ट डायमेंशनल इक्वेशन है, फिजिकल से मतलब नहीं है, अगर वो करेक्ट डायमेंशनली करेक्ट है, तो उसके हर टर्म की LHS और RHS में ऑल द टर्म, ओनली ये नहीं कहेंगे कि LHS और RHS, मतलब LHS और RHS के ईच टर्म की डायमेंशंस क्या होंगी? इक्वल होंगी। ओके, यस सर। हाँ, तो डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म आर इक्वल। डन बेटा। इन LHS एंड RHS। यस सर। गुड, चलिए अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। कि सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने बताया, बताइए सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सर, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं वो हमें किसी भी चीज की करेक्ट या फिर एग्जैक्ट वैल्यू के जो नंबर्स होते हैं सर, उन्हें अपन सिग्निफिकेंट फिगर्स कह सकते हैं। एग्जैक्टली। सो बट इसमें एक चीज आपको और ये कहनी चाहिए कि इन द मेजर्ड वैल्यू, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो डिजिट अबाउट द करेक्टनेस, वो जो होते हैं उसकी करेक्टनेस को बताते हैं कि जिसके लिए हम श्योर हों। मतलब दो चीजें होती हैं, एक तो डिजिट ऑफ करेक्टनेस फॉर वॉट वी आर श्योर प्लस द लास्ट डिजिट विच इज डाउटफुल। तो बेटा दो चीज इन्वॉल्व है यहाँ पे, एक करेक्टनेस की डिजिट और लास्ट डिजिट विच इज डाउटफुल आर कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंस द रूल्स आर। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के काउंट करने के कुछ रूल हैं, उस पर बात करते हैं। एक मिनट बेटा। सो वंस अगेन एक बार रूल रिवाइज कर रहे हैं बेटा हम। ऑल द नॉन जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट, जितने ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये बात तो पता है आपको, तो बताइए यहाँ पर बेटा इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? किसमें सर? हाँ, ये जो दिखा है 2.738 सर, फोर। फोर, बिल्कुल सही। दूसरा, अगर नॉन जीरो नंबर के बीच के जीरोज होते हैं तो उनको सिग्निफिकेंट मानते हैं, तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है बोलो 3.002 में? सर इधर पे टू। गलत। देखिए नॉन जीरो नंबर बैठा हुआ है और मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई नॉन जीरो नंबर है बेटा, तो नॉन जीरो नंबर के बीच के जितने भी डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं। तो 3.002 है, तो इनको भी इनको काउंट किया जाएगा। सो टोटल वी है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। यस सर, यस। समझ में आया? यस सर, यस सर। हाँ, तो टोटल बेटा 4 सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट होंगे। यस, ये वाली बात हो गई। अब बताइए यहां पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है 0.00807 पे? सर 5। गलत। डेसिमल के डायरेक्ट बाद वाले और पहले वाले सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट नहीं होते, 3 होंगे, ओनली 807। अगर नॉन जीरो नंबर होता 0.00807। ओके, यस सर। हाँ, अगर नॉन जीरो नंबर होता तो वो काउंट होते, अदरवाइज काउंट नहीं होंगे। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? ओनली 3। सर इसकी जगह यहाँ पे 1.00807। हाँ, तो बिल्कुल सही। अगर 0.100807 होता तो यहाँ पे इसको भी काउंट करते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर जी सर। चलो अगला क्वेश्चन, 0.30400 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? सर 3। बिल्कुल सही, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, ठीक है ना? चलिए। यस सर।
यस। नेक्स्ट, डेसिमल के बाद वाले या ट्रेलिंग जीरो कोई काम के नहीं होते हैं। तो 12.3 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? तीन हाँ। यहाँ पे कितने हैं? सर थ्री थ्री। इसमें भी कितने हैं? थ्री। बिल्कुल सही। अर्थ का वेट नियर अबाउट 6.24 × 10^28 किलोग्राम है, बताओ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? सर थ्री। थ्री, बिल्कुल सही। मतलब ये एक्सपोनेंट पावर वालों को हम सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं करते। डन। यस सर, डन। चलिए, द ट्रेलिंग जीरोज इन द नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। 3.800। वेट, द ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। हाँ देखिए बच्चों, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट इन अ डेसिमल पार्ट आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे टोटल कितने दिख रहे हैं? फाइव दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? हाँ सर। हाँ, तो डेसिमल के राइट साइड में तो जीरोज होंगे, उनको हम काउंट करेंगे, है ना। तो हमने यहाँ पे गलती कर दी है, जो हमने आपको यहाँ पे गलत बता दिया उसको सही कर लें। अगर डेसिमल के राइट साइड के जो जीरोज़ हैं उनको आप काउंट करेंगे, है ना। तो मैंने जो एग्ज़ाम्पल यस दिया था यहाँ पे, शायद यस सर। यहाँ पे मैंने थ्री बोला था, ये गलत है। बोलो कितने होंगे? फाइव। सर काउंट करते हो उनको? हाँ, काउंट लिखा ना, मैंने रूल बताया था ना आपको, वही रूल मैंने चेक किया दोबारा, अभी मैंने दोबारा रूल दिखाया। ये देखो, पढ़ो ये वाला रूल, फिफ्थ वाला रूल पढ़ो। ऑल द ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट इन द डेसिमल पार्ट आर सिग्निफिकेंट। हाँ एग्जाम्पल, 1.4750 हैज फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में आया? क्लियर यस हुआ? सर, जोर से यस बोलो। सर, यस सर। हाँ, सो यहाँ पे जो है इसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट करेंगे, ठीक ना। इस जो मैंने बताया था इसमें, यस ये सर, 1.008, ये तो ठीक है। यहाँ पे बोलिए फाइव होंगे, कितने होंगे? फाइव। फाइव। डेसिमल के पहले वाले काउंट नहीं होंगे, डेसिमल के तुरंत बाद वाले, बट नॉन जीरो डिजिट के बाद वाले काउंट होंगे। ओके सर, ओके, सो 3.800 किलोग्राम, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? सर फोर। फोर, यस। हाँ, सिग्निफिकेंट डिजिट को जो है सिग्नि चॉइस ऑफ चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट और फिगर्स इन अ मेजरमेंट। मतलब यदि आप यूनिट चेंज कर रहे हैं तो जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे या सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उनमें बदलाव नहीं आएगा, है ना। जैसे आपने देखा था कि 12.3 मीटर है, अब 12.30 को आपने 1.230 सेंटीमीटर कर लिया था, बोलो यस और नो। यस सर, और इट इज इक्वल टू 12,300 मिलीमीटर, यस और नो। यस सर, बट तीनों में सिग्निफिकेंट डिजिट थ्री ही काउंट हो रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हाँ सर, ओके, तो इसलिए याद रखिएगा कि यूनिट के चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर्स कभी चेंज नहीं होंगे। नहीं होते। यस, और मैंने बताया था कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में जब हम करते हैं, तो जो आंसर आता है द रिजल्ट विल करस्पॉन्ड टू द लोएस्ट नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस, यस और नो। यस सर, हाँ, मतलब इसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा उसके अकॉर्डिंगली काम चलेगा, यस और नो। हाँ सर। नेक्स्ट, इन अ मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ऑफ द प्रोडक्ट इन द क्वेशेंट विल बी कॉरस्पॉन्ड टू द स्मॉलेस्ट नंबर। फिर से वही बात आ गई, सेम क्लियर? बात है। यस सर, यस सर। यस। प्रॉब्लम विद एक्यूरेसी आर ड्यू टू द एरर्स, द प्रेसीशन डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यस, ये एक नया वर्ड यस आया बेटा आपके लिए, प्रेसेशन। प्रेसेशन डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी होती है बेटा, जो एक उसकी सीमा होती है इंस्ट्रूमेंट की, कि उससे ज़्यादा एक्यूरेट नहीं नाप सकता है, समझ गए? हाँ सर, उसको बोलते हैं प्रेसेशन। क्या बोलते हैं उसको? प्रेसेशन। प्रेसेशन। क्लियर हो गया? यस सर, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको एरर पढ़ा दिया था, मीन
मीन किस तरीके से निकालते हैं, सारे डेटा का एवरेज करके निकालते हैं मीन एरर, फिर उसके बाद सारे ओके डेटा की एब्सोल्यूट एरर को मीन कर देते हैं, और ये हाँ सर कहलाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या हाँ कहलाता सर है? मीन एब्सोल्यूट मीन एरर एब्सोल्यूट एरर, सम ऑफ ऑल द एरर, ऑल द एब्सोल्यूट एरर, उनका मीन। नाउ रिलेटिव एरर का फॉर्मूला आपको नोट कर लेना चाहिए, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई मीन। ओके, ओके सर रिलेटिव एरर का फॉर्मूला नोट कर लो, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई मीन। मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई मीन वैल्यू। ओके, मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड यस रिलेटिव सर एरर। हाँ, परसेंटेज एरर बहुत सिंपल है, रिलेटिव एरर में 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगी, परसेंटेज एरर। हाँ सर चलिए, एरर के लिए कुछ रूल्स थे, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि अगर एडिशन में हो तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, हाँ नेगेटिव के लिए सर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, मल्टीप्लाई के लिए रिलेटिव एरर ऐड हो जाती है, डिवीजन के हाँ लिए सर रिलेटिव एरर ऐड हो जाती है, यस और ये सर याद रखना बेटा पावर के लिए, नीट में बहुत बार क्वेश्चन आया इससे, पावर में जो एरर्स होती हैं बेटा वो बाहर आ जाती हैं। देख लो, रिलेटिव एरर फॉर एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एन डेल्टा ए बाई ए का कोफिशियंट एन था आगे आ गया, बी का कोफिशियंट हाँ बी एम था आगे आ गया, एंड डेल्टा सी अपॉन सी, डन। यस सर सारे सारे ऐड हो जाएंगे ये सारे ऐड होंगे, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि शीट तो दे रखी है मैंने। डन, यस सर डन बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अब स्टार्ट होती है हमारी प्रैक्टिस यहां से, एनसीईआरटी पूरी। यस सर आप चाहें तो अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लें, अब हम कराने जा रहे हैं आपकी एनसीईआरटी का सलूशन। ओके सर स्टार्ट करें, सर 1 मिनट बस मैं अपनी एनसीईआरटी ले आऊं यस बेटा। अब आपने जो पढ़ा है उसका एप्लीकेशन आएगा, और एनसीईआरटी में जो एप्लीकेशन पार्ट है बहुत डिफिकल्ट है बच्चे, तो थोड़ा सा ताकत लगेगी इसमें। पहला एग्जांपल 2.1 है हमारे पास, कैलकुलेट, कैलकुलेट पढ़ो बेटा कैलकुलेट द एंगल, द एंगल ऑफ ए वन 1 डिग्री डिग्री बी 1 मिनट एंड सी 1 सेकेंड ऑफ एन आर्क और आर्क सेकेंड इन रेडियंस। यूज 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। चलिए, आपको इन डेटास का यूज करते हुए आपको निकालना है 1 डिग्री, तो आपको याद यस होगा सर कि 360 डिग्री में होते थे 2 पाई रेडियन, और सर 180 डिग्री में होते थे पाई रेडियन, बोलिए यस और नो। यस सर ओके, सो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन, क्लियर? यस सर हाँ, तो यहीं से स्टार्ट होगा, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। बेटा पाई में 180 का भाग दे दो, डिवाइड दे दो, तो पाई का मतलब कितना होता है, पाई अपॉन 180 कैसे सॉल्व होगा, 22/7 मल्टीप्लाई बाई 180। तो कैलकुलेटर में सॉल्व करो बेटा, ये आएगा 0.001745, मतलब 1.745 × 10^-2 रेडियन, बोलो क्लियर? यस सर क्लियर सर, यहाँ पे पाई की वैल्यू अपन 22/7 लेंगे पाई की वैल्यू 22/7 ही तो होती है ना रेडियन में, सर 3.14 भी तो होती है। हाँ अप्रोक्सीमेट ले सकते हो, वो करो वो भी सेम आएगा, आप कैलकुलेटर से करके देख लो, ठीक है? यस सर ओके। इसके बाद सेकंड किसको कन्वर्ट करने को कहा है, सेकेंड कहा गया है कन्वर्ट 1 डिग्री,
1 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करने को आ गया। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, बोलो यस और नो। यस सर। सो 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री, यस और नो। यस सर। यस सर। अब 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, और 1/60 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो 1/60 डिग्री इक्वल टू डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1 pi/180 का मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। क्लियर? यस सर। हाँ, pi/180 का मल्टीप्लाई, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी अभी आपने pi/180 कितना निकाला है, pi/180 आपने ये निकाला है 1 डिग्री, देखो। यस सर, ये निकला था अपना, है ना। सो 1/60 मल्टीप्लाई बाई 1.745 इंटू 10^-2। चलो जरा डिवाइड करो कैलकुलेटर में, 1.745 इंटू 10^-2 डिवाइडेड बाई 60। आ गया? एक मिनट सर। आंसर आएगा 2.91 × 10^-4 रेडियन। हाँ सर, यही आ रहा है। यही आ रहा है? यस सर। क्लियर? यस सर, क्लियर। हाँ, 2.91 × 10^-4 रेडियन, मतलब 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट, 1 मिनट, मिनट को ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू 2.91 × 10^-4 रेडियन। बोलो समझ में आया बेटा? यस सर, आ गया। अब 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड, सेक्सागेसिमल सिस्टम। तो 60 सेकंड इक्वल टू 2.91 × 10^-4 रेडियन। तो 1 सेकंड में क्या होगा, बोलो? 2.91 × 10^-4 रेडियन डिवाइडेड बाय 60। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब चलो डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है तुम्हारा आंसर। यस सर, एक मिनट। फोर पॉइंट एट फाइव करके समथिंग आ रहा है सर? कर रहे, करो। Yes, तो एकदम करेक्ट आया आपका आंसर, 4.85 × 10^-6। ठीक है ना, यही आंसर आना चाहिए था और यही आपका आंसर आ गया। वेरी गुड। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बेटा। पहला क्वेश्चन एग्जांपल टिक लगा लो हर्षिका, और जब कोई क्वेश्चन बन जाए तो उस पर इस तरीके का टिक किया करो, राइट मार्क करके, ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको, राइट मार्क करके 1 लिख दिया करो। 1 मतलब बन गया, ठीक है ना? ओके सर, ओके सर। ये अच्छी आदत है। अगला क्वेश्चन करते हैं। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 diametrically अपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन अर्थ। ए और बी अर्थ से मून ऑब्जर्व किया जाता है। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाई द 2 direction ऑब्जर्व इज 1° 54' गिवेन दैट डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट 1.276 × 10^7 मीटर। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। क्वेश्चन पढ़ लिया? हाँ सर, पढ़ लिया। चलो अब मैं क्वेश्चन का आपको मीनिंग समझा देता हूँ। पहले बेटा ये कह रहा है कि द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम द 2 diametrically अपोजिट पॉइंट ए एंड बी। तो बेटा ये बना लो अपन ने अर्थ बन गई। यस सर। और ये इधर से थोड़ी दूर तक क्या बन गई, मून बन गई। क्लियर?
यस सर, और ये जो मून है ये टू डायमेट्रिकली अपोजिट कॉर्नर्स से मेजर किया गया है। यस सर, यस, तो ये कहीं ना कहीं रेडियस कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, मतलब डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस, हाँ सर, डिस्टेंस कहलाएगी, यस डिस्टेंस सर, कहलाएगी। और यस क्या कह रहा क्वेश्चन पढ़ ले पहले, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी फ्रॉम द अर्थ, द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाई द टू डायरेक्शंस ऑब्जर्वेशन इज 1.454 मिनट। ये जो एंगल बन रहा बेटा वो है 1 डिग्री 54 मिनट। बोलो यस। यस सर, गिवेन द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी अबाउट इतना 1.276 × 10^7, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये दी है 1.276 × 10^7 मीटर। सेवन, बोलो क्लियर। यस सर, अब अगर सिंपल तुम ऐसे सोच करके देखो बेटा, ये है ये है ये है, ये एंगल थीटा है और ये हो गया इसका आर्क एल, और ये हो गई रेडियस इसकी एल आर। बोलो ये सुनो, यस सर, और वैसे भी ये एंगल बहुत ही छोटा है तो बहुत छोटे में हमको आर्क की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया था आपको रेडियन सिस्टम का, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बोलो पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया आर्क था। लेंथ अपॉन रेडियस, यस सर, तो हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए है, ये डिस्टेंस निकालनी, डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। तो डिस्टेंस इक्वल टू एल बाई थीटा आएगा कि नहीं आएगा, यस सर, हाँ है ना। यस सर, चलो तो भैया एल की वैल्यू, एल कितना है ये लेंथ पूरी की पूरी। बोलो यस और नो, आर्क सर, रेडियस अपन अर्थ की निकाल रहे हैं, रेडियस अर्थ की नहीं, रेडियस अर्थ की नहीं निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। रेडियस कहीं यूज नहीं हो रही, रेडियस ये बन गई, अर्थ की रेडियस क्यों यूज होगी, डिस्टेंस है ना हाँ ये मून से लेके यहां तक की, ये हुई हाँ सर, हाँ, रेडियस। यस सर, समझ में आया, यस सर, मतलब डिस्टेंस बोला उसने, उसको मैंने रेडियस लिख दिया गलती से क्योंकि एल बाई आर हाँ, यूज होता है। अब उसका नाम आप चाहे जो मानना हो मान लो, चलेगा, रेडियस की बात नहीं हो रही है। यस सर, यस उसका सर, नाम कुछ अलग देना तो अलग दे दूं, दे दूं अलग नाम, सर दे दो सर, अब तो आगे समझ में लियो समझ में डी, वो, यस सर, ओके डी नाउ। सो डी इक्वल टू एल बाई थीटा, ठीक है। यस सर, नाउ एल कितना दिया है, लेंथ ऑफ द आर्क 1.276 × 10^7 यस सर, डिवाइड बाई थीटा एंगल, ये वाला थीटा कितना है बेटा, 1 डिग्री 54 मिनट। 1 डिग्री 54 मिनट, हाँ अब देखो सावधानी से, पहले 1 डिग्री 54 मिनट तो पूरा कंप्लीट में बदलो डिग्री में, तो 54/60 डिग्री बना कि नहीं बना, यस सर, मतलब ये भी कंप्लीटली डिग्री में आपने कन्वर्ट कर लिया। सो 1 डिग्री 54 मिनट को 1 डिग्री और 54/60, क्लियर, यस सर, या तो सेकंड में कन्वर्ट कर लो चाहो तो, सॉरी मिनट में पूरे को कन्वर्ट कर लो। बताओ किस में करूं, पूरे को डिग्री में लेके जाऊं कि पूरे को मिनट में लेके जाऊं। सर डिग्री में, चलो डिग्री में, तो 60 बन जा 60, 60 + 54 कितना हो गया, यहाँ 60 वन चला वन गया, फोर चाहो तो काट भी सकते हो, मत मत काटो। चलो तो सर, 60 बन जा 60, 60 + 54/60, 6, 5, 11 और सर चार, वन 114/60, ठीक है, वन, यस सर, 114/60, 114 यस सर, अपॉन 60 डिग्री कंप्लीटली, यस और नो। यस सर, और ये एंगल केवल फॉर्मूला रेडियन सिस्टम में लिखता है, तो यहां पे इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, हाँ सर, हाँ क्योंकि ये डिग्री में था ना, हाँ सर, अब हाँ उसको सर, रेडियन में कन्वर्ट किया। अब हमें सॉल्व करनी है ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन जो मैंने आपके सामने लिख दी है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। चलो 1.276 × 10^7, यहां पर नीचे 60 है, ऊपर पलट के आ गया 60, 100 और 60 के साथ 180 भी आएगा, यहां पे है पाई 114 हो गया, और पाई का मतलब 22/7, तो 7 ऊपर चला गया। कहो यस कि नो, यस सर, अब कैलकुलेटर निकाल लो क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन है भैया। यस 1.276 × 60 × 180 × 7 × 10^7 और नीचे 22 × 114,
चलो करो मल्टीप्लाई, वन पॉइंट टू सेवन सिक्स इंटू सिक्सटी इंटू वन एट्टी इंटू सेवन, करो कितना आया? 96,465.6 इंटू 10 की पावर 7, नीचे 22 मल्टीप्लाई बाई 114 करो। यस सर, 22 मल्टीप्लाई बाई 114, 2508। यस सर, सही लिखा है? हाँ सर। चलो डिवाइड कर दो इसमें, 96465.6 में 2508 का डिवाइड कर दो। 465.6 डिवाइडेड बाय 4508, अरे बाप रे, 38.46 3111। हाँ ठीक है, कोई काम का नहीं है, इनटू 10 की पावर 7 बस। 38.4631 इनटू 10 की पावर 7। यस सर, देख लो भाई साहब, आंसर बिल्कुल सही है। क्या लिखा था मैंने? 38.4 इंटू 10 की पावर 6। देखो 38 पॉइंट, इसको राउंड ऑफ कर दो, 38.4 इंटू 10 की पावर 6। अब मैं डेसिमल को पीछे ले जाऊंगा तो मुझे 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ सर। तो 3.84 इंटू 10 की पावर 7। सर 10 की पावर 7 है ऊपर, सॉरी 8 हो जाएगा वो। हाँ सर, 3.84, अभी 38.4 था ना, 38.46 इंटू 10, हाँ तो 7 ऑलरेडी था तो 8 बन जाएगा, सॉरी। हाँ 7 था। सही है? हाँ सर एकदम सही है। हाँ, खतरनाक क्वेश्चन था, फॉर्मूला यही लग गया। हाँ। क्या फॉर्मूला लगा है बेटा? एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है ना? और याद रखना कि इस क्वेश्चन को फंक्शन को लगाते समय थीटा शुड बी इन रेडियन। ओके सर, बन जाएगा, बन जाएगा सर। चलो तो टिक मान लो दूसरे क्वेश्चन में भी, 1 मार्क्स मान लिए, 2.3। चलो जी 2.4 पे आ जाओ, फिर से वैसा ही क्वेश्चन 2.4 पे। पढ़ो। द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड्स, द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम अर्थ इज 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन? हाँ, द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 डिग्री। लियो भाई साहब, ये सन है, इसका एंगुलर डायमीटर मेजर किया है किसी बंदे ने, तो कितना? 1920 मिनट मेजर किया है और अर्थ से मेजर किया है, तो ये मान लो अर्थ है और अर्थ से एंगुलर, एंगुलर मतलब एंगल, तो ये जो एंगल बनाया है इस बंदे ने, वो एंगल बनाया है थीटा इज इक्वल टू 1920 मिनट, मतलब डिग्री में भी नहीं है, मिनट में है, तो पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.496, ये देखो ये डिस्टेंस दी है सर, ये वाली सर, एंगुलर डायमीटर मिनट में नहीं, सेकंड में दिया हुआ है। अच्छा सेकंड है, सॉरी बेटा सेकंड है, नाउ सेकंड कर दिया बेटा मैंने, डबल डैश लगा दिया, दिखा नहीं था, डबल डैश था। यस सर, 1.496 इंटू 10 की पावर 11 ये डिस्टेंस है, इसी को वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं बेटा, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। बोलो क्लियर? यस सर, क्लियर। अब हमें सबसे पहले इसको या तो डिग्री में लेके जाना है, ठीक है ना, एंगल को, और डिग्री के बाद ये कन्वर्ट होगा रेडियन में, तो आपके पास दो रास्ते हैं। आपने निकाल रखा है 1 सेकेंड में कितने रेडियन, डायरेक्टली निकाल रखा है, तो वहां से भी बदल सकते हैं। कहाँ निकाला? हाँ, था स्टार्ट में निकाला था, ये देखो 1 सेकेंड में 4.85 इंटू 10 की पावर माइनस 6 रेडियन निकाला था ना, 4.85 इंटू 10 की पावर माइनस 6। यस सर। हाँ,
1 सेकेंड में 4.85 इंटू 10 की पावर 6 रेडियन, तो रेडियन में 4920 इंटू 4 पॉइंट कितना था, 8.5 × 10⁻⁶4.85 × 10⁻⁶ ये कहाँ से आया, हमने बना रखा ऑलरेडी, निकाला हाँ निकाला है, ये हो गया रेडियन। तो सबसे पहले बेटा इसको हम कन्वर्ट करेंगे, अब इसके बाद अपन लगाएंगे फॉर्मूला। तो क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो यहाँ पे एंगल अपने पास दे रखा है कितना, तो अपन को चाहिए क्या है, अपन को निकालना है डायमेट्रिक लेंथ, ये एल है तो मैं करूँगा एल इक्वल टू थीटा इन टू आर, तो थीटा अपने पास कितना है 920 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाई आर, आर मतलब रेडियस, 1.496 इंटू 10⁻11 1920 4.85 1.496 10⁻11 में से 10⁶ गए तो बच गए 10⁵। अब चलो छोटू इन इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। ओके सर, ठीक है ना। अब आप 1.5 ले सकती हो, इसको राउंड ऑफ कर सकती हो, मगर अभी कैलकुलेटर है तो चलो डायरेक्ट कर लो। 1920 इंटू 4.85 इंटू 1.496 13,930 बस हो गया इतना ही। 0.752 मल्टीप्लाई बाई 10⁵, ये बेटा अपना आंसर आया है। चलो देखो डेसिमल को पीछे करेंगे 10 बढ़ता जाएगा, एक पीछे दो पीछे तीन पीछे 8 बन जाएगा, मतलब 13.9 इंटू 10⁸। एग्री कि नॉट एग्री? अग्री सर, अग्री। 13.9 इंटू 10⁸ एग्री कि नॉट एग्री? अग्री सर, अग्री। एक और पीछे कर दो तो 1.39 इंटू 10⁹। चेक करो आंसर, खुश? सही है सर, खुश सर, एकदम खुश हो गई आज तुम। चलो खुश रहो भाई। यस, ठीक है ना। इतनी कैलकुलेशन के बाद आंसर करेक्ट आए तो खुश होना तो बनता है ना। वो तो है सर, वो तो है सर, लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे लेकिन तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? अप्रोक्सीमेशन करोगी बहुत सारा, अब करोगी मजदूरी करनी पड़ेगी, 11th क्लास का क्वेश्चन है। ये भी है। चलो ठीक है, चलिए जी आ गया आपका पसंदीदा क्वेश्चन जिसके बारे में हम कह रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 2.7 एरर निकालना सिखाया था मैंने। हाँ सर सिखाया था। एरर निकालना है, क्या क्या निकालना है, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। चलो क्वेश्चन पढ़ दो बेटा। वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स द रीडिंग टर्न आउट टू बी 2.63 सेकंड, 2.56 सेकंड, 2.42 सेकंड, 2.171 सेकंड एंड 2.80 सेकंड। ठीक, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो भाई तीन चीजें फाइंड करनी है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। कैसे फाइंड करेंगे? देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसकी आपको ट्रू वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बेटा आपने एक्सपेरिमेंट किया लैब में और आपने 5 टाइम अलग अलग निकाले हैं। ये पहला वाला है 2.63, ये फर्स्ट वाला 2.63 है, फिर 2.56 है, फिर 2.42 है, फिर 2.71 है और लास्ट 2.80 है। 5 डेटा आपके पास में है, बोलो यस कि नो? यस सर। क्या करते थे, सबसे पहले पांचों का एवरेज निकालते थे, याद आया? यस सर, तो ट्रू वैल्यू के लिए पांचों का एवरेज निकाल लिया। पांचों का एवरेज देखो बेटा, चेक करो 2.62 सेकेंड आ रहा है एनसीईआरटी बुक में। हाँ सर आ रहा है। हाँ
अब अपन क्यों करें, अपन तो सीख रहे हैं, है ना, टाइम क्यों खराब करें चेक करके। तो 2.62 सेकेंड आ गया है ये बेटा, ये कहला गई ट्रू वैल्यू। क्या कहला गई ये? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू। अब एरर क्या होती है? एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू होती है ट्रू वैल्यू माइनस, सॉरी, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। यस, लिख लो, डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स मेजर्ड माइनस एक्स ट्रू। ठीक है? यस एक्स ट्रू। यस सर। हाँ, अब बेटा सबसे पहले आप निकालो डेल्टा एक्स वन, मतलब पहले मेजरमेंट की एरर। तो बोलो मेजर्ड वैल्यू क्या, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 2.63 है कि नहीं है? है सर। और ट्रू वैल्यू कितनी आई है? 2.62। हाँ। आई कि नहीं आई? यस सर। एरर कितनी बन गई? 0.01 सेकेंड। बनी कि नहीं बनी? बनी सर। ऐसे सेकेंड एरर, थर्ड एरर, फोर्थ, फिफ्थ, ये निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? निकल जाएंगी, सारी एरर आ गई। यस सर आ गई। इन सब एरर का डेल्टा एक्स वन, डेल्टा एक्स टू, डेल्टा एक्स थ्री, सबका एब्सोल्यूट ले लो, मतलब सबकी पॉजिटिव वैल्यू ले लो। ले लिया? यस सर। अब yes, इन sir. सब एरर को ऐड करके, इनकी पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करके इनका मीन ले लिया। यस सर। जो एरर का मीन आता है उसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ सर बोलते हैं। तो सर डेल्टा टी मीन यहाँ पर आएगा डेल्टा एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स टू, करते 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 लास्ट डेटा है डेल्टा एक्स फाइव अपॉन फाइव। दिस इज इक्वल टू आ गया सॉल्व करके 0.11 सेकेंड। 0.5 आ गया। 11 सेकेंड। यस सर। ये आ गई मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या आ गई ये? मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसके बाद अब डेटा कैसे लिखेंगे? सो टोटल आपका जो बनेगा डेटा, टोटल टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे लिखेंगे? टाइम इज इक्वल टू, ट्रू डेटा कितना आया था, ट्रू वैल्यू 2.6, ये देखो 2.62 है ना? यस सर। हाँ, तो 2.62 को राउंड ऑफ कर दिया तो 2.6, क्या कर दिया, 2.6। क्लियर? यस सर। हाँ, तो 2.6 में एक को राउंड ऑफ कर दिया और दूसरा 0.11 सेकेंड को राउंड ऑफ करके प्लस 0.1 सेकेंड। क्लियर? हाँ या ना? को और जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया था उन लोगों को राउंड ऑफ कर दिया। हाँ, अभी बताऊंगा रिलेटिव एरर। अभी ये अपन ने क्या लिख लिया, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन फॉर टाइम, एक्सप्रेशन फॉर टाइम। ठीक ना? कह रही थी। हाँ, अभी हमने एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर ली है। एब्सोल्यूट एरर कितनी निकली? 5। ये एब्सोल्यूट एरर्स हैं। यस सर। फिर अपन ने मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर ली। कर ली फाइंड? हाँ सर। हाँ सर। मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद अपन ने क्या फाइंड कर लिया? एक्सप्रेशन फॉर टाइम। यस सर। सर इसमें एक्सप्रेशन जो अपन ने टाइम की बनाई है उसमें अपन ने जो ट्रू वैल्यू आई थी उसको और जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया था दोनों को राउंड ऑफ कर दिया ना? हाँ। ये एक्सप्रेशन ऑफ टाइम निकालते बन जाएगा। यस सर। ये एक्सप्रेशन ऑफ टाइम हो गया। अब एक्सप्रेशन ऑफ टाइम होने के बाद आपको निकालनी है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है? इसको डेल्टा टी लिखना चाहिए क्योंकि बात टाइम की हो रही, तो एक आए को ले आए। तो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, याद करो क्या होता है, रिलेटिव एरर होता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। याद आया? एक्स। यस सर। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन टी। यहाँ पे क्या बन जाएगा? डेल्टा टी अपॉन टी। तो रिलेटिव एरर आ जाएगी डेल्टा 0.1 अपॉन 2.6। ये थोड़ा गलत लिखा है। तो डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू 0.1 अपॉन 2.6। ये कौन सी एरर है? ये परसेंटेज एरर है क्योंकि रिलेटिव एरर में परसेंटेज का मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर। तो ये बन गई परसेंटेज एरर। तो आई थिंक क्वेश्चन में साथ परसेंटेज एरर बोला होगा। यस, रिलेटिव भी बोली है, परसेंटेज भी बोली है सर। और बोला या तो रिलेटिव निकाल दो। हाँ, तो और बिल्कुल सही। इंग्लिश तुम्हारी बहुत अच्छी है, यू हैव अ बेटर कंट्रोल ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। अरे सर ऐसा नहीं है। ओके, सो कंप्लीट हो गया, बन गया ना ये?
यस सर। चलिए एनसीईआरटी में टिक लगा लो। एक्स एग्जाम्पल लगाइए सर। नंबर 2.7 था। यस सर। ओके ओके ओके। नेक्स्ट 2.8 पे आ जाओ। इतना इजी क्वेश्चन। द टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज मेजरमेंट बाई अ थर्मोमीटर आर ये एंड ये। कैलकुलेट द यस सर। टेम्परेचर डिफरेंस। लो भाई साहब, तो ट्रू वैल्यू 20 है और 50 है, मतलब आपको निकालना है टी डैश, टी टू माइनस टी वन। तो ट्रू तो ट्रू में माइनस हो जाएगी, बोलो ऐसा नो। हाँ सर। और मैंने बताया था गलती प्लस गलती इक्वल टू बड़ी गलती, याद है? यस तो सर। एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होती है, याद आया? हाँ सर। तो यस, देखो ये इसकी एब्सोल्यूट एरर है पहले वाले की और ये दूसरे वाले की, तो इनको ऐड कर दो। तो देखो दूसरी वाली एब्सोल्यूट यस एरर सर। कितनी है, 5 5, 0.5 0.5। क्लियर? यस सर। इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। देखो 50 माइनस 20 पहला पार्ट, प्लस माइनस एरर प्लस एरर, पहले वाले की एरर कितनी है 0.5 और दूसरे की कितनी है यस 0.5। सो आंसर 50 यस माइनस 20 बोलो तो 30 प्लस माइनस 0.1 नहीं 1.0, याद आया? यस सर। मैंने पढ़ाया था यस सर। आ आपको गया। क्या पढ़ाया था कि Z1 प्लस Z2 दो एरर हैं फिजिकल क्वांटिटी, तो इनकी जो मैक्सिमम एरर होती है प्लस माइनस डेल्टा Z1 प्लस डेल्टा Z2 था ना, हाँ सर। हाँ सर। वही कंसेप्ट लग गया है। सर आपने बताया था वन चाहे प्लस कर दो चाहे माइनस कर दो रहेगा तो हाँ, वो एरर है। एरर में हमेशा एरर प्लस होंगी माइनस होंगी, ट्रू वैल्यू माइनस हो रही कोई दिक्कत नहीं है। देखो एरर का पार्ट कहाँ, एब्सोल्यूट एरर ये बैठी सर। हुई है, ये एब्सोल्यूट एरर, ठीक है? हाँ यस सर। तो ये जो है बेटा एब्सोल्यूट एरर ये बैठी हुई है, मेन अपन को एब्सोल्यूट एरर से मतलब है, उसकी मेन वैल्यू से मतलब नहीं है, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ, क्योंकि रूल्स एरर पे लगते हैं। चलो यस अगला सर। क्वेश्चन। हाँ, द रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी अपॉन आई, वेयर वी इज इक्वल्स टू इतना है और आई इज इक्वल टू इतना है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन आर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यस परसेंटेज सर। एरर इन आर निकालनी है बेटा अपन को। हाँ सर। चलो करवाता हूँ, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करके तुम्हें। हाँ, तो फाइंड परसेंटेज एरर इन आर। तो भैया जब आपको यस सर। परसेंटेज एरर आर की निकालनी है तो वी हमें कितना दिया है, वी हमें दिया गया है 100 प्लस हंड्रेड माइनस प्लस 5, बोले माइनस यस और फाइव नो? वोल्ट यस सर। तो मैं सबसे पहले वी का परसेंटेज एरर निकाल लेता हूँ, क्योंकि परसेंटेज तभी तो यस निकाल सर। पाऊंगा जब दोनों का परसेंटेज पता है। तो हाँ 5 सर। एरर वैल्यू, ट्रू वैल्यू हाँ 100 मल्टीप्लाई बाई 100, कैंसिल कैंसिल, हंड्रेड बोलो तो कितने फाइव परसेंट आया, परसेंट 5%। चलो अब निकालता हूं आई की परसेंटेज एरर। तो आई हाँ कितना दे सर। रखा हमको, आई हमें दे रखा टेन है, आई हमें दे रखा प्लस है माइनस 10 जीरो प्लस पॉइंट टू माइनस जीरो एम्पियर पॉइंट टू सो यहां पे डेल्टा आई एम्पियर अपॉन आई बनेगा 0.2 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 100, बोलो यस और नो? यस सर। 10 से 100 बार गया 10 बार, आंसर हो गया 20%, बोलिए यस और नो? हाँ सर। अब हमें निकालना सर है ट्वेंटी फॉर्मूला। नहीं हाँ,2% आएगा। थैंक यू, जाग रही है हर्षिका, सो रहे लोकेश सर। जीरो चलो पॉइंट आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, ठीक है ना? यस सर। यस सर। पता है आपको फॉर्मूला आर इक्वल टू वी अपॉन आई? और हाँ कल सर मैंने पता है बताया था कि डिवीजन में जो रिलेटिव एरर होती है वो एडिशन वो बना देती है, ऐड हो चाहे कोई जाती डिवाइड है। हो चाहे मल्टीप्लाई हो, याद आया? हाँ सर। तो डेल्टा वी अपॉन आई प्लस डेल्टा आई अपॉन आई, ये हो गई रिलेटिव एरर। और अगर आप 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100, तो परसेंटेज एरर बन गई कि नहीं बनी? बन तो जाएगी। ये हमें फाइंड करना है। वी की परसेंटेज एरर निकाल ली है कितने परसेंट, बोलो? 5%। 5%। आई की परसेंटेज एरर कितनी निकाली है, 2 2%। तो फाइव परसेंट प्लस टू कितने परसेंट हुआ,
7%। 7% चेक करते हैं आंसर, सही है हमेशा सर। की तरह इस बार भी सही, 5+2 7%। यस डन। इन लोगों ने इतने छोटे में लिख दिया है। हाँ अब इन लोगों ने इतने छोटे में लिख दिया तो आप अंदाजा भी लगा लो, 5/100 यानी 5%, और 0.2/10 मतलब कि 2%। बोलो यस। यस सर। और दोनों को ऐड कर दिया तो कॉम्पिटेटिव के लिए ये क्वेश्चन बहुत बार आया बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है ओके सर। यस सर। चलिए ये फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, किस चीज का फॉर्मूला लिख रखा है, डिवीजन के एरर का। जेड ए बी अपॉन सी है, डिवीजन में है तो रिलेटिव एरर बेटा सबकी ऐड हो गई, देख लो हो गई ना। हाँ सर। हेलो। हाँ सर। डिवीजन मल्टीप्लाई में सारी रिलेटिव एरर क्या होती हैं, ऐड ऐड होती हैं। और पावर वाले में क्या, देखो इसमें क्या है, ए की पावर एम बी की पावर एन, तो पावर बाहर आएगी डेल्टा ए अपॉन ए, और बीच में काय का निशान आएगा, प्लस का। प्लस का क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई था तो रिलेटिव एरर हमेशा ऐड हो जाती है। डन। यस सर। डन सर। चलो इसी बात पे क्वेश्चन हो जाए, लिखो। यस सर। क्वेश्चन ये है कि किसी मास के मेजरमेंट की परसेंटेज एरर है 2%, और वेलोसिटी के मेजरमेंट की परसेंटेज एरर है 3%। यस सर। फाइंड परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके सर। काइनेटिक एनर्जी के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर फाइंड करो। यस सर। इतना टाइम लग रहा है इतने लल्लू क्वेश्चन में। हाँ? चलो देखो क्या कर रही हो यार। सर मेरा आंसर तो आ गया, कितना नहीं सही है कि नहीं है। 3%। 3% गलत आया है। देखो हाँ। एनर्जी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू 1/2 mv2। बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ सर। 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट ना कभी घटता है ना बढ़ता है, इसमें एरर नहीं होती। बोलो यस। यस सर। अब डेल्टा ई अपॉन ई रिलेटिव एरर इक्वल टू मल्टीप्लाई में है एम, डेल्टा एम अपॉन एम, मल्टीप्लाई की जगह क्या आता है प्लस, पावर उछल के बाहर आती है 2 delta v/v। हाँ या ना। यस सर। 100 का मल्टीप्लाई कर दो बन जाएगी परसेंटेज एरर, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस 2 delta v/v × 100। अब बेटा जो क्वेश्चन दिया हूँ देखो, मास की परसेंटेज एरर कितनी है, 2% प्लस 2 लगाना भूल गई थी तुम, और वेलोसिटी की परसेंटेज एरर कितनी है, 3% 2% प्लस 2 × 3 = 6%। बोलो आंसर कितना, 8%। Yes, इतना इजी नीट का क्वेश्चन तुमने गवा दिया। फॉर्मूला अच्छे से नहीं लगाया था। हाँ, यस सर। 8% कैजुअल नहीं लिया करो, थोड़ा धीरे धीरे अलर्ट बढ़ते जाओ। यस सर। 8% ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, रिलेटिव एरर का एक्सप्रेशन लिख दो, एक्सस एग्जांपल 2.11। ओके सर। सिंपल यार। हाँ सर। ओके। बोलो। डेल्टा जेड बाय जेड हाँ इक्वल टू हाँ 4 × (Δ A/A) राइट प्लस डेल्टा बी बाय बी
प्लस डेल्टा बी बाई बी सर प्लस वन वन बाय थ्री इंटू डेल्टा बी बाई बी। सही बात। फिर प्लस डेल्टा सी बाय सी प्लस थ्री पॉइंट थ्री बाय टू इंटू डेल्टा डी बाई डी। सही जवाब, बिल्कुल सही। ये देखिए आंसर, करेक्ट आंसर। ओके सर, ठीक है। यस सर। चलिए अब आगे के क्वेश्चन आपको मैं आज होमवर्क दे के जा रहा हूँ, पूरी शीट के पूरी शीट आपको सॉल्व करनी है, ठीक है ना सर? एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल करने हैं, शीट के, एनसीईआरटी के नहीं, पहले मैं शीट कराऊंगा बाद में एनसीईआरटी, जितनी करानी थी एनसीईआरटी इसमें लिखी हुई है। ओके सर। लाइन बाय लाइन मतलब लेवल के क्वेश्चन मैंने ऐसे अलग अलग कर दिए हैं कि आपको परेशानी ना हो, तो शीट के अकॉर्डिंगली चलना है। मैंने सब इसमें सेट कर दिया है कि जैसे आपको समझ में आएगा। जी सर। धीरे से लेके बड़े की तरफ, ठीक है जी सर। यस सर। और जाने के पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ बेटा, हमारे फंडामेंटल फोर्सेस जो होते हैं जिंदगी में वो ये होते हैं आपके सामने जो लिखे हुए हैं, फोर फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं हमारी लाइफ में। यस सर। देयर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेस विच गवर्न द माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना, मतलब संसार में जितनी भी घटनाएं होती हैं इन फंडामेंटल फोर्सेस से होती हैं। तो इनके नाम है, नंबर वन पे ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे कमजोर वीकेस्ट फोर्स। उससे बड़ा कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सबसे कमजोर फोर्स है ग्रेविटेशनल, ठीक है ना? यस सर। ग्रेविटेशनल से बड़ा है वीक फोर्स दूसरे नंबर पे। क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यस सर। वीक फोर्स से बड़ा है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तीसरे नंबर पे। ओके सर। और चौथे नंबर पे बेटा सबसे तगड़ा न्यूक्लियर फोर्स। समझ गए? यस सर। सर ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और इनकी सबकी ऑर्डर दी हुई है बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर ऑर्डर 1 है तो वीक फोर्स की ऑर्डर 10^25, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ऑर्डर 10^36 और न्यूक्लियर फोर्स की जो ऑर्डर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की ऑर्डर कितनी है? 10^38। Yes, 10^38, ठीक है ना? यस सर। सो आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है शीट में, ये देखिए क्वेश्चन आपको लेके आ रहा हूँ शीट का, कहाँ गई शीट, ये है। नेम द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर एंड व्हाट इज इट्स रेंज। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नेचर का क्या है, बोलो आंसर क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। हाँ, न्यूक्लियर फोर्स। ऑर्डर ऑर्डर मैंने बताई आपको, कितनी ऑर्डर बताई मैंने आपको? 10^38 इसकी ऑर्डर है। अब बोल रहा है कि इसकी रेंज क्या होती है, ये कहां पर लगता है? तो यह न्यूक्लियस के अंदर लगता है और न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? 10^-15 मीटर। समझ गए? यस सर। तो आंसर इसका जो रेंज होगा कितना होगा बच्चे? 10^-15 मीटर। ऑर्डर कितना होगा? 10^38। मतलब ऑर्डर 38 कहलाएगा। yes, याद sir. करो 10^x में जो x आती थी वो ऑर्डर थी, ठीक है ना? वो ऑर्डर होती थी। यस सर। चलो तो कल भाई साहब ये शीट का आपको मर्डर करके